अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ InDesign की क्लास नंबर 3। और आज जैसे प्रॉमिस किया था, लॉन्ग टेक्स्ट, कुछ बहुत सारी मजे की टिप्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टेक्स्ट की डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं इस क्लास में, नामुमकिन है कि पूरी हों, लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा काम का है। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा InDesign ऑलरेडी खुला हुआ है। मैं यहाँ से सिंपली ले रहा हूँ न्यू फाइल, और मैं ले रहा हूँ सिंपली एक प्रिंट में जा करके लेटर साइज। याद रखिएगा कि यहाँ पर फेसिंग पेजेस पर चेक लगा हुआ है और मैं पेजेस 1 ही ले रहा हूँ। नीचे अगर आ जाएँ तो यहाँ पर मार्जिन आपके पास दिए हुए हैं 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। मैं चाह रहा हूँ कि जी हमारा आउटसाइड वाला मार्जिन जो है वो 1.5 इंचेस आ जाए। सो मैंने यहाँ से 1.5 इंचेस किया। याद रखिएगा, अब ये क्यों लिया है, क्योंकि आपको मुझे समझाना है फेसिंग पेजेस एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहे होते हैं। देखें, फेसिंग पेजेस पर चेक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन आ रहे हैं, लेकिन अगर फेसिंग पेजेस ना हो तो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन आ रहे होते हैं। नाउ इनसाइड आउटसाइड क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, हमारे पास एक सिंपल सा पेज आ गया। ये जो है पार्ट, ये इनसाइड कहलाता है, सही है। और ये इनसाइड मतलब ये वो जगह है जहाँ से बाइंडिंग होगी। अब अगर मजीद पेजेस मैं लेता हूँ, लेट्स से मैं पेजेस के पैनल में जाता हूँ और यहाँ से मैं 2-3 पेजेस ले लेता हूँ, तो ज़रा जूम आउट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ इनसाइड, दिस इज़ आउटसाइड। मैं अंडू कर रहा हूँ और वापस आ जाएं अपने इस बॉक्स यानी पेज पर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट डालने के लिए हमें टेक्स्ट फ्रेम चाहिए होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब इसमें मुझे टेक्स्ट फिल करना है, तो मैं सिंपली ये करूँगा कि जी राइट क्लिक, प्लेस होल्डर टेक्स्ट, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। या आपने इसी के अंदर रहते हुए प्रॉपर्टी पैनल पर जाएँ, या नीचे लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था आपके पास ऑप्शन मौजूद है फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाएगा। वॉट इफ मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे ये जो है टेक्स्ट फ्रेम इतना नहीं, इतना चाहिए था, तो अब क्या हो रहा है कि आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। नाउ ऑब्वियसली अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपना बॉक्स इतना बनाया है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट डालते हैं, तो वो टेक्स्ट इतना ही देगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो यहाँ साइड में दूसरा कॉलम भी चाहिए था, और दूसरा कॉलम इसके साथ लिंक्ड चाहिए था। लिंक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आप एक और टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं, लेट्स से मैं अभी इस वक्त कॉलम में ख़ुद कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअली करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आप किसी भी फ्रेम को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा बॉक्स बन गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जी अब इसका कंटेंट इसके अंदर आ जाए किसी तरह से। सो एक तरीके का तो ये कि जो प्लस साइन दिख रहा है रेड वाला, इस पर क्लिक करें और बाकी इस पर क्लिक कर दें तो रिमेनिंग टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा एक तरीके का ये है कि अगर आपको सिमिलर साइज़ का बॉक्स चाहिए, तो आपने सिंपली इस प्लस साइन पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर क्लिक किया, तो ये आपको दूसरा बॉक्स दे देगा, लेकिन अजीब सा साइज़, सही। तो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार क्या है, आपने अपना फुल साइज़ का टेक्स्ट बना लिया बॉक्स, ठीक है, और आप चाहें तो इसमें मज़ीद फिल कर दें प्लेस होल्डर, ये मैंने कर दिया, और अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 कॉलम्स में। सो बड़ा सिंपल सा तरीका, सिंपली आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें, यहाँ राइट साइड पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको ये टेक्स्ट फ्रेम की कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपके कॉलम्स हैं। यहाँ से जैसे आप बढ़ाएंगे आपके पास कॉलम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ये सारे बॉक्सेस जो हैं आपस में कॉलम्स जो हैं लिंक्ड हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, समटाइम्स हमारे पास क्लाइंट कॉन्टेंट भेजता है, अब वो हमें डालना है, और मुझे ये नहीं पता कि हमारा जो क्लाइंट का टेक्स्ट है वो कितना है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे प्लेस, कंट्रोल डी शॉर्टकट है इसका, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने सिंपली एक स्टोरी बुक थी वो कॉपी पेस्ट करके रखी है एम एस वर्ड की फाइल में, मैंने सिंपली ये वर्ड फाइल ली, ओपन किया। जैसे आप ओपन करेंगे आपके कर्सर पर टेक्स्ट आ चुका है, और अगर आप चाहें तो पूरा बॉक्स बना लें, जितने साइज़ का भी आप बनाना चाहें बना सकते हो, वो कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा। अंडू कर दें, अगर आप यहाँ पर खाली क्लिक करते हैं तो वो आपके मार्जिन्स के लिहाज से पूरा एक फ्रेम बना के दे देगा, लेकिन अब यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जी टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं पता था कि कितने पेजेस पर आने वाला है, और अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से मज़ीद टेक्स्ट लें और वो कंटिन्यू करें दूसरे पेज पर। तरीक़ेकार ये हो सकता है कि जी मैंने यहाँ से न्यू पेजेस 2-3 ले लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं गया कि जी यहाँ पर आए, इस पर मैंने क्लिक किया,
और फिर मैंने यहाँ आके क्लिक किया, फिर मज़ीद टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया। ये सब आपस में लिंक्ड है, डोंट वरी। लिंक्ड से मुराद ये है कि अगर मैं कोई एक पैराग्राफ भी डिलीट करता हूँ तो पीछे टेक्स्ट खुद ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा हैसल हो चुका है कि मैं बार बार इस पर आकर के रिमेनिंग टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ और डाल रहा हूँ? दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्वाइट डिस्टर्बिंग, एटलीस्ट फॉर मी। आई डोंट नो आपका, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है। सो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मास्टर पेज या पेरेंट पेज। तो एक न्यू फाइल में ले रहा हूँ, पहले उस पर मैं आपको सिंपली पेरेंट पेज समझा दूँ कि होता क्या है। मैंने सिंपली एक न्यू फाइल ली और सपोज अभी वही जैसे पिछली फाइल थी वैसी ही फाइल है। यहाँ अगर आप पेजेस का पैनल देखें इस जगह पर, तो आपके पास आ रहा है ए पेरेंट, सही है। यहाँ पे दो पेजेस दिख रहे हैं और ये नीचे आपका एक सिंगल पेज जिस पे आप काम करने वाले हैं, पेरेंट या मास्टर। ये मैं इसको बार बार मास्टर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पुराने वर्जन में इसको मास्टर कहा जाता था। सो सिंपली पेरेंट पर मैं गया और ये समझा दूँ कि पेरेंट का पर्पज़ क्या है। लेट्स से मैंने एक टॉप पर एक बार बनाया है यहाँ पर पेरेंट पे, ठीक है, और इसका मैंने कोई भी कलर दे दिया, लेट्स से ये ग्रीन दे दिया, ठीक है, और इसी बार की एक कॉपी लेके मैंने डाल दी यहाँ पर, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं पर्पल, डन। अब ये जो मैंने पेरेंट पर बनाया है इसका काम क्या है कि ये तमाम तर आने वाले पेजेस पर ये चीज़ रिपीट कर रहा होगा। सो अब याद रखिएगा कि पेरेंट का काम और कुछ नहीं है, पेरेंट पे हम कोई भी चीज़ डालते हैं वो आगे आने वाले पेजेस पे रिपीट हो रही है। और बहुत सारे काम है, डोंट वरी, ये पेरेंट या मास्टर पेज आज क्लास में कंप्लीट नहीं समझा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि हमें जो पिछली वाली फाइल है उसमें ज़रूरत थी, इसीलिए हम ये पेरेंट पेज देख रहे हैं, सिर्फ इतना, ठीक है। सो अब अगर मैं जब भी न्यू पेज लूँगा तो हर लेफ़्ट पेज पर अगर आप देखें तो ग्रीन बार आ रहा है और राइट पेज पर आपके पर्पल बार आ रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, बस मुझे इस वक्त पेरेंट में इतना ही समझाना था। अब वापस आ जाएं हमारी इस वाली फाइल पे। नाउ इस वाली फाइल को भी मैं एक काम करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। सो हम सिंपली शुरू से काम कर रहे हैं, हम जाके एक न्यू फाइल लेते हैं और उसमें एक छोटी सी चीज़ बतानी ज़रूरी है। सो मैंने कंट्रोल एन किया और यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पर जो है वो चेक लगा दें। बाकी तमाम सर सेटिंग्स हमारी वैसी ही है, जस्ट आप क्रिएट करें और फिर देखें क्या होता है। नाउ इस वक्त हमारे पास करंटली एक फाइल आई है और पेरेंट पर मैं जाता हूं तो यहां देखें और यहां देखें आपके पास एक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है और उस पर एक एरो बना हुआ आ रहा है। इस पर माउस ओवर करें तो आपको ये बता देगा कि दिस स्टोरी इज द पेरेंट्स प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो, क्लिक हियर टू डिसेबल द प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो क्या है ये हमें चाहिए ताकि आगे आने वाले पेजेस वो खुद जनरेट करें। सो अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्लो खत्म हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। याद रखिएगा एरो बना होना चाहिए। वापस आ जाएं पेज वन पे, फाइल पे जाएं, प्लेस करें वही हमारी स्टोरी। और इस बार मैं यहाँ पर जैसे ही आ रहा हूँ तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखना ज़रूरी है। नंबर वन कि अगर मैं बाहर जाता हूँ जहाँ पर हमारा फ्रेम नहीं था, वहाँ पर ये हमारे कर्सर पे एक बॉक्स दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ तो हमारे कर्सर पे एक ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, दैट मीन्स के वी हैव अ प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो फ्रेम। तो इस पर क्लिक कर दें और थोड़ी देर के अंदर देखिएगा कि आपके पास नए पेजेस जनरेट हो जाएंगे, आपका तमाम तर कॉन्टेंट सारा का सारा इसके अंदर आ चुका। नाउ पिछली क्लास में जब मैं अलाइनमेंट्स वगैरह बता रहा था तो एक चीज़ को मैंने कहा था कि स्किप करें, इसको आगे चल के बताऊंगा, तो आ जाएं ज़रा जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं ये सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पर हैं आपकी सारी जस्टिफिकेशंस, सही है। सो पैराग्राफ की लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट जस्टिफाइड, सही है। लेफ़्ट जस्टिफाइड क्या है कि तमाम अगर कंटेंट ज़्यादा है तो लाइंस फुल्ली जस्टिफाइड होंगी, जो अगर टेक्स्ट कम है तो लेफ़्ट की तरफ जस्टिफाइड होंगी, ये सेंटर में करेगा, ये राइट पे जस्टिफाइड करेगा, ये ऑल जस्टिफाई करेगा, एंड दिस इज़ वेरी अगली, डोंट डू दिस, ठीक है। नाउ असल जो चीज़ थी वो ये थी, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन। अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन क्या करेगा, स्पाइन कहते हैं, याद रखिएगा, जो सेंटर वाली जगह है जहाँ पर हमारा बाइंडिंग है, सही है। अगर मैं इस पर कर देता हूँ तो हर लेफ्ट पेज पर राइट अलाइन, हर राइट पेज पर लेफ्ट अलाइन। सो दिस इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, ये कई बार किया जा सकता है कि यार हमारा इमेज या तो हम साइडों में देने चाह रहे हैं या हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, सिंपली ये वाला जस्टिफाई कर दें तो ये स्पाइन को छोड़ करके बाकी वाले एरिया में जस्टिफाइड कर देगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ
हेल्पफुल। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा काम समझ में आया होगा। अभी मैं ना फॉन्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ, ना टाइपोग्राफी की बात कर रहा हूँ, ना कुछ बात कर रहा हूँ। जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। याद रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स के बगैर आपका टेक्स्ट इन डिज़ाइन में नहीं आएगा। सो अब जब टेक्स्ट बॉक्स बनाना ही है तो उसको समझना भी ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, अभी लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।